ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली इंटरनल एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है ये मॉडल, और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, कॉम्पिटिशन को असेस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है कि जी आपकी इंडस्ट्री में कंपटीशन कितना है, और उस कंपटीशन के अंदर फिर हम अब चेक करते हैं कि जी हमारी एबिलिटी क्या है, कि हम कॉम्पीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी चाहिए। ओके फिर इसके साथ एक कनेक्टेड मॉडल है पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज, वो इसी कॉम्पिटिटिव मॉडल को यूज करते हुए डिसाइड किया जाता है कि जी आपको कॉस्ट लीडर के तौर पर ऑपरेट करना है इंडस्ट्री के अंदर, या आपको डिफरेंसिएशन के तौर पर ऑपरेट करना है, या फिर आपको जो है वो फोकस स्ट्रेटजी लेके चलनी। ठीक है, अब इसका जो 5 फोर्सेस हैं, नंबर 1 पोटेंशियल एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, राइवलरी एंड दी थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ये 5ों फोर्सेस मिलकर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा कुछ इंडस्ट्रीज में कॉम्पिटिशन बहुत ऑलरेडी जो है ना बहुत टफ होता है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर यूजुअली जो है ना वो बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, बैंकिंग सेक्टर है उसमें यूजुअली बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट देखने को मिलता है, और कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कंपैरेटिवली इतना टफ नहीं होता, तो उसके रीजन क्या होते हैं एक इंडस्ट्री में है हो दूसरे इंडस्ट्री में ना हो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना सर। मतलब मेनली। एक तो हो सकता है कि जो एंट्री बैरियर्स हो, फॉर एग्जांपल अगर टेलीकॉम की बात करते हैं तो मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान में 92 के अंदर हमने एप्लीकेशन दी थी, 10 साल पहले हमें फोन लगा था हमारा, 10 साल में हमारा लैंडलाइन लगा था, हमने मिठाई बांटी थी। तो ये मतलब बैरियर था गवर्नमेंट की तरफ से, जब गवर्नमेंट उसको ओपन किया तो एक बैरियर है। फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट बैरियर्स हो सकते हैं। अब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जैसे जिस कंपनी में लुबना या हमने काम किया लिंडे, उसको आपने शायद नाम भी ना सुना हो, लेकिन वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी है कि कोई और आता ही नहीं उस काम में। 5 कंपनियां हैं, 4 कंपनियां पूरी दुनिया, तो सही है, उसके या फिर ऑपरेशन, कोई ऐसा। उसके हाँ, या ऑपरेशंस फिर क्या हैं? सर इसके ऑपरेशंस हैं ये इंडस्ट्रियल गैसेस। अच्छा हाँ, ये सही, इंडस्ट्रियल गैसेस की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और आपने शायद मतलब इतना सुना ना हो इस कंपनी के बारे में, लेकिन ये 100 कंट्रीज के अंदर डील करती है। आप इमेजिन अच्छा करें, तो क्यों इसका आप इमेजिन करें कि ये इसकी बैरियर क्या है। इसका बैरियर ये है कि अगर आपको एक प्लांट लगाना है तो आपको 100 करोड़ चाहिए। अगर आप अगर पाकिस्तान में, जैसे हमने पोर्ट कासिम के प्लांट लगाया हुआ है, पाकिस्तान में ये पोर्ट कासिम पे हमने 100 TPD का प्लांट लगाया था। अभी नया प्लांट लाहौर में भी लगाया इस कंपनी ने, तो वो आप अंदाजा करें कितनी पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। फिर कुछ और हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल सर आपके पास कोई ऐसी यूनिक चीज है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, बिल्कुल या फिर पेटेंट पेटेंटेड हो सकता है, जैसे आईपैड है, सैमसंग है, एंड्रॉयड फोन है, इस तरह की कोई ऐसी चीज हो आपके पास जिसके आपके पास आपके अलावा कोई हो ना मार्केट में, या आपके पेटेंट कुछ ऐसे हो, तो ये चीजें मेरे ध्यान में आती है जितना मैंने पढ़ा है और जितना मुझे समझ आती है। सही। और इसके अलावा सर क्या हो सकता है? चलें देखते हैं, क्योंकि ये तो ये जर्नल डिस्कशन होगी ना हमारी, ये तो जनरल, मॉडल स्पेसिफिक नहीं है। अब सही, मॉडल स्पेसिफिक चलते हैं कि मॉडल क्या कहता है इसके बारे में। ठीक है, मॉडल कहता है पहला फोर्स है राइवलरी। ठीक है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि राइवलरी का मतलब है कि जो इंडस्ट्री के अंदर प्लेयर्स मौजूद है ना वो प्लेयर्स कितने, और ये बेसिकली आपका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, तो आपका जो इंडस्ट्री साइज है, जो आपका इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है, वो आपको ये बताएगा कि जी आपके जो प्लेयर्स हैं प्लेयर्स की तादाद कितनी। तो प्लेयर्स की तादाद की बेसिस के ऊपर हम पहले सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब परफेक्ट कंपटीशन आइडियली तो होता है नहीं, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक मॉडल है कि जी परफेक्ट कंपटीशन की निशानी ये है कि आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स और अनलिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स होने चाहिए, कस्टमर की तादाद भी ज़्यादा हो और सप्लायर्स की तादाद भी ज़्यादा हो, और प्रोडक्ट जो है वो
होमोजीनियस है और उसमें जो प्राइस डिसीजन होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, वो किसी भी सेलर के पास नहीं होता, वो प्राइस मार्केट बेस्ड प्राइसिंग होती है। क्योंकि अगर प्रोडक्ट की नेचर सेम होगी तो आप क्या कॉम्पिटेटिव एडवांटेज उठाएंगे, व्हाई यू कैन चेंज द प्राइस। अगर बिल्कुल आइडेंटिकल सब कुछ एक जैसा बेच रहे हो तो, और कंज्यूमर के पास चॉइसेस हो कि बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, तो परफेक्ट मॉडल ये कहता है कि जी आपके पास प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, जो प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस होती है उसके ऊपर ही आपको बेचना पड़ता है। तो एज अ रिजल्ट राइवलरी बिल्कुल ही नहीं होती, नो राइवलरी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन ये कहता है कि जी इंडस्ट्री के अंदर आपका एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके अंदर कंपटीशन का लेवल डिफरेंट होता है, और दूसरा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। अब यहाँ पर जो इन तीनों इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो तीनों स्टेटस हैं, इसकी रीजन होते हैं नंबर ऑफ सेलर्स और टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें सेलर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट जो है ना वो थोड़ा सा हेट्रोजीनियस टाइप का होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो भी डिसाइड करती हैं वो डिफरेंशिएशन की बेसिस के ऊपर डिसाइड करती हैं। अब जिसका जितना डिफरेंशिएशन ज़्यादा होगी उसकी अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में कंपनीज के साथ राइवलरी कम होगी, जितना डिफरेंशिएशन कम होगा उतनी राइवलरी ज़्यादा होगी, उतने कस्टमर के पास चॉइसेस ज़्यादा होंगे, जितना डिफरेंशिएशन का एलिमेंट ज़्यादा होगा उतनी राइवलरी कम होगी। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जैसे कुछ केसेस में तो राइवलरी बहुत ज्यादा होती है, जैसे टूथपेस्ट की एग्जांपल लें, कितने ब्रांड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, और जो बेचने वाला है उसको ये पता है कि यार कंज्यूमर के लिए सब्स्टिट्यूट करना कोई मसला ही नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं और वो स्पेसिफिकली मेडिकेटेड होते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वो डिफरेंशिएशन आ जाता है तो उनको पता होता है कि हमारी एक डिफरेंट ऑडियंस है, तो अगर हम प्राइस भी वेरी करेंगे कुछ और भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी डिमांड के ऊपर। सिमिलरली अगर कोई मोनोपोलिस्ट बन जाता है, जैसे आप टेलीकॉम की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ पीटीसीएल, अब पीटीसीएल के अलावा कोई है ही नहीं, के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई है ही नहीं, तो उनको किसी किस्म की राइवलरी है ही नहीं, मोनोपोलिस्ट की किसी भी किस्म की राइवलरी नहीं होती, ठीक है। और अगर वो नेचुरल मोनोपोली हो, जो गवर्नमेंट ने क्रिएट की हुई हो, गवर्नमेंट की सपोर्ट से मोनोपोली बनी हो, फिर तो राइवलरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर वो नेचुरल मोनोपोली ना हो तो फिर मोनोपोलिस्ट जो है उसको ये एटलीस्ट ये पता होता है कि वो मोनोपोलिस्ट है तो सारी जिंदगी के मोनोपोलिस्ट नहीं होगा, उसकी मोनोपोली गवर्नमेंट तोड़ सकती है। जैसे गवर्नमेंट की रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से उसकी मोनोपोली पे कोई फर्क पड़ सकता है, या फिर अल्टीमेटली कोई नया मेजर प्लेयर मार्केट में आता है वो उसकी मोनोपोली को चैलेंज कर सकता है, इस तरह से उसकी मोनोपोली हिट हो सकती है, लेकिन मोनोपोलिस्ट की राइवलरी यूजुअली नहीं होती। लेकिन जो ये ओलिगोपोली स्ट्रक्चर है ये काफी अजीबोगरीब होता है, इसके अंदर राइवलरी हाई भी हो सकती है और नो राइवलरी भी हो सकती है। आपने सुना होगा कि कार्टल्स बना लिए जाते हैं और वो कार्टल्स बना के जो ना वो एक लिमिट में रहते हुए एक टाइम फ्रेम तक तो वो कार्टल्स चलते हैं, और उस थोड़े अरसे के बाद वो कार्टल्स जो है ना वो ब्रेक हो जाते हैं। जब तक वो कार्टल्स चलते हैं राइवलरी नहीं होती, लेकिन जब वो कार्टल्स ब्रेक हो जाते हैं तो राइवलरी शुरू हो जाती है और बड़ी एक्सटेंसिव राइवलरी होती है, सही है। तो इसके अंदर यूजुअली क्या होता है कि राइवलरी का एलिमेंट जो ना वो डिपेंड करता है कि ओलिगोपोली के अंदर जो फ्यू सेलर्स होते हैं, चंद बेचने वाले होते हैं, वो चंद बेचने वालों का आपस के अंदर क्या रिलेशनशिप है। जैसे हमारे यहाँ ऑटो सेक्टर जो है पाकिस्तान में, उसमें फ्यू प्लेयर्स हैं, टेलीकॉम में फ्यू प्लेयर्स हैं, तो वो जो ऑटो सेक्टर के अंदर है वो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ऐसे लेके चलते हैं कि आपस में उनकी राइवलरी नजर ही नहीं आती। तो हो सकता है कि पीछे हमारे यहाँ सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर में हमारे यहाँ कार्टल्स बनाए जाते हैं, तो प्राइसिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर राइवलरी होगी तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या नजर आएगा, कस्टमर के पास चॉइसेस होंगी, प्राइसेस वेरी करेंगी, लोगों को सस्ती चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर नहीं मिल रही और फ्यू सेलर्स हैं और चीजें सस्ती नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कंपटीशन है ही नहीं।
सही है। तो मोनोपोली ऑलिगोपोली में फर्क सिर्फ इतना है कि मोनोपोली में एक ही सप्लायर जो है, एक ही जो वो जो मैन्युफैक्चरर हाँ है, बिग प्लेयर। बिग प्लेयर है। ऑलिगोपोली में बहुत सारे बिग प्लेयर है लेकिन वो सब कार्टल बना के एज अ एक्ट एक करते हैं लेकिन अंदर हाँ से एक नहीं होते। बहुत सारे नहीं कह सकते, फ्यू होंगे। हाँ क्यों होते हैं लेकिन वो हाँ सारे मिल जाते हैं, एक साथ वो सारे मिलके मार्केट को मैनिपुलेट कर देते बिल्कुल। या फिर ऐसा होता है कि अगर नहीं भी मिलते, फॉर एग्जाम्पल, तो हैं। ऐसा होता है कि एक इतना बड़ा जाइंट होता है कि सब उसको फॉलो कर रहे होते हैं। और उसने वो प्राइस बढ़ाया, सबने बढ़ा दिया। जी, और वो ये कहता है कि भाई मुझे फॉलो करें, मैं बताऊंगा प्राइस बढ़ानी है या कम करनी है, सप्लाई शॉर्ट करनी है नहीं करनी। तो उसको फॉलो इसलिए कर रहे होते हैं कि वो इतना बड़ा जाइंट होता है कि वो आपको साइडलाइन कर सकता है। सर इसकी कोई मिसाल है पाकिस्तान में इस ऑलिगोपोली की, जैसे कहेंगे? अभी आपको बता रहा था ना कि पाकिस्तान में जो ऑटो सेक्टर है, ये ऑटो सेक्टर जो है ना, वो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर में चल रहा है, ओलिगोपोली स्ट्रक्चर के अंदर। या फिर हमारे हमारे पास जो टेलीकॉम सेक्टर है, वो डेफिनेशन के हिसाब से इसी में फॉल होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। सीमेंट सेक्टर्स पाकिस्तान में रहा है एज ओलिगोपोली। और इंटरनेशनली आपको पता है, ओपेक जो कंट्रीज हैं उनके कार्टल्स बने हुए होते हैं, वो ओलिगोपोली की तरह चलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो ज्यादातर चीजें ऑलिगोपॉली पे ऊपर ही चल रही है आपकी, बस सही। हाँ, ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ज्यादा होता है दुनिया में। जहां पे एक सप्लायर लीड कर रहा होता है हर चीज को, जहाँ पे ज्यादा सेलर्स होते हैं। अच्छा ज्यादा सेलर्स होते हैं। हाँ, आप देखें ना, हर हर इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर देख लें, एक इंडस्ट्री में कितने प्लेयर्स होते हैं। सर मोनोपॉली का मतलब ये नहीं है कि वो एक ही बंदा मोनोपोलिस्टिक सबको, नहीं, मोनोपोलिस्टिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा मोनोपॉलिस्टिक। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में फर्क है ना। मोनोपोलिस्टिक जो होता है वो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के दरमियान का मॉडल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है आपका, वो नेक्स्ट फैक्टर है सिमिलर साइज ऑफ बिजनेस, जैसे पेप्सी एंड कोक। क्योंकि अगर दो जाइंट बिल्कुल एक जैसे ऑपरेट कर रहे हो एक इंडस्ट्री के अंदर, तो कंपटीशन हमेशा टफ होता है, राइवलरी हमेशा हाई होती। लेकिन अगर सिर्फ पेप्सी हो और उसके साथ छोटी छोटी कंपनीज हो सिमिलर ऑपरेशंस के अंदर, तो वो उसको लिफ्ट भी नहीं कराएगा। इसी तरह बैंक है हमारे यहाँ, हबीब बैंक है और एमसीबी बैंक है, जॉइंट दोनों नेशनल बैंक है, बड़े बड़े बैंक है। लेकिन उसके मुकाबले में छोटे बैंक भी हैं, इतने छोटे बैंक है कि वो लिफ्ट ही नहीं कराते उनको। तो अगर इंडस्ट्री के अंदर सेम साइज ऑफ बिजनेस मौजूद हो, तो सेम साइज ऑफ बिजनेस होने की वजह से वो आपस में बहुत टफ कॉम्पिटिशन देते हैं एक दूसरे को, राइवलरी ज्यादा होती है। या फिर अगर ग्रोथ जो है ना, इंडस्ट्री की ग्रोथ अगर फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री हो, तो क्या होता है कि राइवलरी इतनी टफ नहीं होती, क्योंकि ग्रोइंग मार्केट में सबका शेयर होता है। लेकिन अगर मार्केट की ग्रोथ स्लो हो जाए या मार्केट की ग्रोथ रुक जाए, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि अब कंपनीज को ये पता होता है मार्केट शेयर तो बढ़ेगा नहीं, तो वो वो एग्जिस्टिंग ट्रैप मार्केट, हाँ वो एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर को कैप्चर करने के चक्कर में लगते हैं कि मैं तुम्हारा मार्केट शेयर मैं खींच लूँ, मेरा मार्केट शेयर तुम खींच। और उसकी निशानी ये नजर आती है कि फिर आपको एडवर्टाइजमेंट वॉर नजर आएगी। सही है। और एक और राइवलरी का रीजन होगा लैक ऑफ डिफरेंसिएशन। जिस इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंसिएशन ना हो, जर्नलाइज टाइप के प्रोडक्ट्स हो, तो वहां पर आपको राइवलरी ज्यादा मिलेगी। क्या, व्हाट अबाउट सुपर स्टोर्स, ग्रॉसरी? ग्रॉसरी वालों के पास क्या डिफरेंसिएशन होता? कुछ भी, सबने कुछ भी नहीं, अनाज बेचना है, सबने अनाज बेचना है, सबने चावल बेचना है। बिल्कुल। और उनके उनके यूजुअली थर्ड पार्टी ब्रांड ही ज्यादा होते, तो एज अ रिजल्ट आपको वहां पर राइवलरी ज्यादा नजर आएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, कॉस्ट स्ट्रक्चर, जो आप वो जो एंट्री बैरियर की बात कर रहे थे ना, कॉस्ट स्ट्रक्चर, अगर फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट ज्यादा है, तो फिक्स कॉस्ट के एलिमेंट के ज्यादा होने की वजह से भी अल्टीमेटली फर्क पड़ता है कि जी छोटे प्लेयर्स तो टिकते ही नहीं मार्केट के अंदर, क्योंकि वो कॉस्ट अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स नहीं होते, और कम प्लेयर्स होने की वजह से फिर आपकी राइवलरी नहीं होती। इसी तरह से एग्जिट बैरियर, ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर ही एंट्री बैरियर क्रिएट करता है।
तो अगर एंट्री बैरियर, अगर एंट्री बैरियर है तो फिक्स कॉस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो एंट्री बैरियर क्रिएट करता है। अगर एंट्री बैरियर है तो राइवलरी क्या होगी, राइवलरी कम होगी। अगर एंट्री बैरियर नहीं है, हर बंदा आ रहा है, नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ रहे हैं, तो राइवलरी बढ़ेगी। सिमिलरली अगर एग्जिट बैरियर है, कोई भी नया आता है और उसे पता है कि मैं छोड़कर नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है बहुत कम लोग आएंगे। लेकिन अगर एग्जिट बैरियर इजी है, आना भी इजी है, जाना भी इजी है, तो हर कोई ट्राई तो जरूर करेगा अल्टीमेटली, और एज अ रिजल्ट राइवलरी बढ़ेगी। ठीक है, अब इसके अंदर सवाल सवाल ये कि राइवलरी इज अ गुड थिंग और इज अ बैड थिंग, हाउ इट वर्क्स, राइट? दिस वुड बी द क्वेश्चन। देखिए, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिसके अंदर कोई ना हो ना, तो फिर हम आराम से चलते रहेंगे। वो लोग होते हैं जिनको कंपटीशन करने में मजा नहीं आता, उनकी अपनी एबिलिटी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि यार जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना ज्यादा मजा आएगा मुझे प्रूफ करने में कि मेरे पास क्या है एक्स्ट्रा। तो ये वेरी करता है। मसलन एक 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 जगह जाए आप, एक सिटी में जाए, एक इलाके में जाए, वहां पर कपड़े की एक साथ 50 दुकान है, तो आपको दुकानदार रोते हुए मिलेंगे, कहीं यार देखें यार कस्टमर ही नहीं है, आता भी है तो वो इतनी दुकान है। और एक कहता है कि मैंने दुकान इसलिए खोली है कि चलो इसी बहाने लोग आएंगे तो सही एक जगह के ऊपर, और फिर वहां पर मेरी एबिलिटी है कि लोग मेरे पास क्यों आएंगे। तो राइवलरी अच्छी चीज है, प्रोवाइडेड दैट कि आपके पास कुछ हो बेचने के लिए। लेकिन राइवलरी का एक बहुत बड़ा नुकसान है, और वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नुकसान है, अननेसेसरी स्पेंडिंग होती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। और आप देखें वो एडवर्टाइजमेंट में जो स्पेंडिंग होती है वो यूजलेस ही होती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप दे रहे होते हैं, वही पैसा उठा के आप प्रोडक्टिव कामों में लगाएं। ठीक है, ठीक है। तो राइवलरी अच्छी चीज है इन द सेंस के दैट कि आपको अब क्वालिटी अगर आप डिलीवर कर रहे हैं तो फिर आपको राइवलरी की इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं है, यूनिक नहीं है, जर्नलाइज्ड है और उसकी क्वालिटी में भी मसले हैं, तो फिर आपको राइवलरी की वजह से परेशानी हो सकती है। तो राइवलरी बढ़ेगी तो कंपनी की सेल्स गिरेगी, प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, राइट? राइट। दूसरा फोर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। अच्छा, बायर की जो स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियसली नंबर ऑफ बायर्स पे डिपेंड करती है कि आपके पास बायर्स कितने। अब आप बायर्स की हम एग्जांपल दे रहे हैं तो यहाँ पर कौन से बायर्स, ना कस्टमर की भी टाइप होती है ना, एक तो वो कस्टमर होता है जैसे फॉर एग्जांपल होलसेलर आपसे बाय करता है, रिटेलर आपसे बाय करता है, सुपर स्टोर्स आपसे बाय करते हैं, या इंडिविजुअल कस्टमर है, मीन्स हाउ यू सेल, आप सेल कैसे कर रहे हैं। आप डायरेक्ट सेल कर रहे हैं कस्टमर को, आप बिजनेस को सेल कर रहे हैं, बी टू बी, बी टू सी, सही है। बी टू बी में आप अगर फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं तो बिजनेस की बार्गेनिंग पावर हाई होगी, लेकिन बी टू सी में अगर आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं तो कस्टमर की बाइंग पावर इंडिविजुअली इतनी हाई नहीं होती। ठीक है, तो आप फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें एक ऑटो कंपनी है, वो एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ डील कर रही, तो आप टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कस्टमर कौन हुआ, ऑटो कंपनी, और ऑटो कंपनी एक बड़ी कंपनी है, सही है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी। लेकिन वही जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका एक डीलर है, उस डीलर की बार्गेनिंग पावर कंपनी की बार्गेनिंग पावर के मुकाबले में इतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आपका जो बायर है वो बायर एक स्टैंड अलोन बायर है, रिटेलर है, होलसेलर है, सुपर स्टोर है। अब टेस्को है फॉर एग्जाम्पल, टेस्को जिनसे बाय करता होगा तो वो टेस्को की बार्गेनिंग पावर बहुत हाई है, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बाय करता होगा, वो आपको फोर्स कर सकता है कि जी ब्रांड मैं अपना बेचूंगा, पैकेजिंग मेरी मर्जी की होगी, साइज मेरी मर्जी का होगा, डिजाइन मेरी मर्जी का होगा, तो यू हैव टू फॉलो। इसका मतलब है लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स अगर हों तो उसके अंदर बार्गेनिंग पावर वीक होती है, और अगर नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा हों तो उसके अंदर बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई होती है। एक तो ये रीजन हो सकता है, अगर बायर कम होंगे तो सेलर एक्सप्लॉइट करेगा, अगर बायर ज्यादा होंगे तो बायर एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है,
देखिए एक्सप्लॉयटेशन तो जिंदगी में हर जगह चलती है ना, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आपको पढ़ना है और मेरे अलावा कोई अवेलेबल नहीं है दुनिया में, तो फिर देखिए मैं आपको बता दूंगा कि जी कितना मुश्किल काम है पढ़ना। और मुझ जैसे अगर हजारों अवेलेबल हैं, तो आप मुझे कहेंगे सर पढ़ाना है तो पढ़ाएं, इतना अमाउंट देंगे, वरना आप जाएं हम किसी और से पढ़ लें। तो ये तो दुनिया में चलता है, बार्गेनिंग पावर की तो इम्पोर्टेंस है, ठीक है? और एक्सप्लॉयटेशन तो हर जगह ही होती है। अच्छा, पहली चीज आ जाते हैं स्विचिंग कॉस्ट के ऊपर। स्विचिंग कॉस्ट ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंटरनेट डिवाइस खरीदी, मैंने एक टेली कम्युनिकेशन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए कोई चैनल्स देखने के लिए कुछ खरीदा, या मैंने कुछ ऐसी चीज खरीदी जिसके साथ मुझे कोई एसोसिएटेड चीज खरीदनी पड़ती है, कोई डिवाइस खरीदनी पड़ती है, अब जब मैं उसको छोड़ूंगा तो उसकी जो कॉस्ट है क्या वो इतनी ज्यादा है कि मैं सोचूंगा कि प्रोडक्ट छोड़ूंगा तो ये भी मेरी वेस्ट हो जाएगी, जाया हो जाएगी? या आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा और उसके साथ आपको कोई चीज इंस्टॉल करनी पड़ी अपने पास, अब आपने कहा कि यार अगर मैं ये प्रोडक्ट छोड़ के किसी नए प्रोडक्ट के ऊपर जाता हूँ तो ये स्विचिंग कॉस्ट मुझे बेयर करनी पड़ेगी। तो स्विचिंग कॉस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। स्विचिंग कॉस्ट अगर हाई होगी तो बार्गेनिंग पावर लो होगी कस्टमर की, और अगर स्विचिंग कॉस्ट लो होगी तो बार्गेनिंग पावर जो है वो हाई हो जाएगी। जब चाहे आप कंपनी चेंज कर लें, इसका मतलब ये है, जब चाहे आप कंपनी चेंज कर लें, जहां चाहे मूव कर लें। अब जैसे बच्चों के प्रोडक्ट्स आते हैं ना, फूड प्रोडक्ट्स, बच्चों के रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स आते हैं, तो बच्चे जो ना एक पर्टिकुलर ब्रांड से जो ना वो एसोसिएट हो जाते हैं। सही कह रहे हैं। जैसे जेली की एग्जांपल लें, नगेट्स की एग्जांपल लें, वो उन्हें जो ना उसकी शक्ल भी पसंद होती है, उसका टेस्ट भी पसंद होता है। अब आप दूसरी ला के खिला दें उन्हें, इवन शॉर्टेज में ला के खिला दे, नहीं खाते बच्चे, बहुत तेज है आजकल के बच्चे। वो कहते हैं ये क्या अजीब गरीब चीज है, हमें तो नहीं पता कि ये क्या होता है। तो वो अब आपके लिए स्विचिंग कॉस्ट हाई हो गई। जब स्विचिंग कॉस्ट हाई हो गई तो अब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको वही खरीदना है एट एनी कॉस्ट, चाहे उसकी प्राइस क्यों ना बढ़ जाए। ये शायद आपने एक्सपीरियंस किया हो। मैं हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ठीक है ना? तो स्विचिंग कॉस्ट मैटर करती है। वो स्विचिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ के वो आपकी चाहे वो बिहेवियर से क्रिएट हो, चाहे वो एडिक्टेड हो, हैबिचुअल हो, या फिर वो अल्टीमेटली किसी तरह की कोई कॉस्ट आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं, यू डोंट वांट टू वेस्ट दैट कॉस्ट, तो फिर आप स्टे करेंगे उसी के पास, तो अल्टीमेटली बार्गेनिंग पावर वीक होगी, कॉम्पिटिटिव फोर्स कम होगी। बार्गेनिंग पावर हाई होगी, कॉम्पिटिशन ज्यादा होगा। नंबर ऑफ बायर्स हमने पहले डिस्कस कर लिया, नंबर ऑफ बायर्स से फर्क पड़ता है। अच्छा, 20-80 रूल, ये सुना आपने? एक इटली के शहर मिलान के अंदर उसने एक इकोनॉमिस्ट गुजरा था, उसने एक थ्योरी दी थी कि जो वेल्थ है, सही है, टोटल वेल्थ जो है वो 20% लोग जो है वो 80% वेल्थ एक्युमुलेट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। फिर बाद में अंदर ये हम कस्टमर के ऊपर इस तरह से अप्लाई करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो रेवेन्यू आता है, सही है, 20% हाँ 80% रेवेन्यू उसके 20% कस्टमर से आता है, सही, तो वो 20% को आपको खुश रखना है जी। और आपके वो 20% कस्टमर आपके मेजर कस्टमर्स हैं, तो अगर आपका जो सेल्स है वो किसी एक दो या तीन कस्टमर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बेनिफिट भी है, ठीक है, बेनिफिट इन द सेंस के अब आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी, एक एक कस्टमर को एक्यूमुलेट नहीं करना, सही है। लेकिन रिस्क इसलिए है कि फिर आपकी बार्गेनिंग पावर स्लो हो जाती है, और उसकी बार्गेनिंग पावर ऑब्वियसली बढ़ जाती है। और फिर अगर वो किसी वजह से आपसे डिससेटिस्फाई होता है तो आपको उस 80% को एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और एकदम ड्रास्टिकली आपकी सेल्स गिर जाती है। तो फोकस हमारा इसी पर होता है कि हम 80% कस्टमर को सेटिस्फाई करें, 20% कस्टमर को सेटिस्फाई करें।
इसके लिए एक कॉस्टिंग के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक टॉपिक है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये उससे लिंक करता है। हम ये चेक करते हैं कि हमारे प्रॉफिटेबल कस्टमर्स कौन से। ऐसा तो नहीं कि हम इक्वल फोकस कर रहे हो हर कस्टमर पे, और जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर है उसको भी उतनी लिफ्ट करा रहे हो जो लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर। तो होना क्या चाहिए, जो हमारा बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर हो उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। सही, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल कस्टमर है उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, और जो लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर है उसकी बार्गेनिंग पावर वीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में, तो आप समझें कि कोई भी चीज, सस्ते से सस्ती चीज भी मिल रही है उसके अंदर भी लोग क्वालिटी ढूंढ रहे। तो अगर क्वालिटी की इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब है बायर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और अगर क्वालिटी की इंपॉर्टेंस नहीं है, आपकी इकोनॉमी ऐसी है, आपकी इंडस्ट्री ऐसी है, आपकी कंट्री में लोग ऐसे हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है इतने ज्यादा, तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी बार्गेनिंग पावर जो होगी उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी। हम ये इस टॉपिक को उससे ला सकते हैं जो अवेयरनेस हमने पढ़ा था बीच में। जी जी बिल्कुल कर सकते। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें डेवलप्ड कंट्रीज की, तो डेवलप्ड कंट्रीज में यूजुअली क्वालिटी फोकस बहुत ज्यादा होता है। राइट, तो ऑर्गेनाइजेशन पे फोर्स पड़ता है कि आप कोई भी चीज ऐसी प्रोड्यूस ना करें जिसमें क्वालिटी डिफेक्ट्स आए, कोई मसले हैं। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, स्मॉल नेशंस के अंदर आप देखें कुछ भी भेज दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपायर भी भेज दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदे मर जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर उनकी बार्गेनिंग पावर इतनी स्लो होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाते। सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी मैंने ये सीपीए के अंदर कवर कर लिया कि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी, प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी तो उसकी बार्गेनिंग पावर वीक कम वीक। अच्छा जी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इस बात पे डिपेंड करती है कि एक सिंगल सप्लायर तो नहीं है। अगर एक सिंगल सप्लायर है जो कि इंडस्ट्री को सप्लाई कर रहा है, तो फिर आप उसके नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर उसकी जितनी भी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होगी, जो भी उसकी शॉर्टेज करेगा वो, जो भी वो टाइमली गुड्स प्रोवाइड नहीं करेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको उसके मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और आपकी कोशिश ये होगी कि यार किसी तरह जो है ना वो इंडस्ट्री के अंदर या कोई नया प्लेयर आ जाए, या हम कोई अल्टरनेटिव सप्लायर किसी और कंट्री में ढूंढें कहीं और ओवरसीज, ताकि इसकी जो मोनोपोली है ना उसको किल किया जाए। वरना ये क्या करता है, हर कुछ दिनों बाद हमारी प्राइस बढ़ा देता है और हमारी प्राइस बढ़ जाती है, इसकी वजह से हमें सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम कुछ फिर भी कुछ नहीं कर सकते, हमें हालत मजबूरी इससे खरीदना। अगर फ्यू सप्लायर्स होंगे, यानी कि हमारी जो सप्लायर इंडस्ट्री है वो ओलिगोपोली है लाइक तो अगर फ्यू सप्लायर्स होंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी बहुत हाई होगी। हो सकता है उन्होंने कार्टल बनाया हो और उस कार्टल के अकॉर्डिंगली वो हमें सप्लाई ना कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह अगर एक प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं और आपको पता है इस क्वालिटी का प्रोडक्ट सिर्फ एक्स वाई जी कंपनी ही प्रोवाइड करती और कोई प्रोवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब है आप बीइंग अ बायर स्टक अप हो गए उस कंपनी के साथ। अब आपको बहालत मजबूरी उसी से लेना है। तो जैसे फार्मास्यूटिकल्स में अक्सर ऐसा होता है, पेशेंट जो है वो मजबूर होता है, डॉक्टर ने जो उसको एडवाइस की हुई होती है कि आपको यही टेबलेट सूट करती है, तो वो अल्टीमेटली उसी के साथ स्टक अप हुआ होता है, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। बल्कि वो तो ये सोचता है कि अगर ये बंद कर दे बनाना तो मेरा क्या होगा। सही बात, इतनी ज्यादा रिलायंस हो जाती है सप्लायर के ऊपर। तो क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी, अगर क्वालिटी वीक होगी तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जो है वो लो होगी। नंबर ऑफ कस्टमर इन द इंडस्ट्री, ये उल्टा बता रहे ना, सेलर्स की बात नहीं कर रहे, सप्लायर्स की बात नहीं कर रहे, कस्टमर्स। हाँ, यानी कि सप्लायर जिसको बेच रहा है उसकी नंबर ऑफ कस्टमर इन द इंडस्ट्री, अगर नंबर ऑफ द कस्टमर इन द इंडस्ट्री अगर लो हो
तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर की वीक हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ कस्टमर हाई होंगे तो उसकी बार्गेनिंग पावर भी क्या होगी, ये मैं सही कह रहा हूँ या उल्टा कह रहा हूँ? कस्टमर अगर कम होंगे तो सप्लायर की पावर कम हो जाएगी, सही कह रहा, सही कह रहा हूँ, वो आपको इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करे। हाँ, इन्फ्लुएंस जो है उसका कम हो जाएगा, दो ही लोग हैं जिसको बेचना है। हाँ बिल्कुल, दोनों की उसकी पावर कम हो जाएगी, बिल्कुल, इसको बेचे इसको बेचे, यानी कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर भी रिलेटेड होती है आपस में। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का स्कोप कितना है, क्या प्रोडक्ट इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकती है, क्या कंज्यूमर इजीली स्विच कर सकता है वन प्रोडक्ट टू अनदर, यह डिफिकल्ट है। अगर स्कोप ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट हो तो इसका मतलब है बार्गेनिंग पावर हाई होगी, और अगर सब्स्टिट्यूशन करना बहुत आसान हो, चावल लेने जाए सुपर स्टोर्स के अंदर, एक दफा एक ब्रांड के लिए दूसरी दफा दूसरे ब्रांड के लिए लोग इधर उधर जंप करते रहते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन करना कोई मसला ही नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन के भी लोगों के अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, चाय कॉफी, सही है, ट्रांसपोर्ट में बस ट्रेन प्लेन, ये सब्स्टिट्यूशन में लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं बहुत डिफिकल्ट है, अगर मैं जहाज में सफर करता हूँ तो मैं ट्रेन में कैसे सफर कर सकता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, इसमें बैठो उसमें बैठो, कुछ लोग कहते हैं चाय ना मिले तो कॉफी, कॉफी ना मिले तो चाय, कुछ लोग कहते हैं हम तो कॉफी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो ये वेरी करती है फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर, राइट? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो तो फिर तो बार्गेनिंग पावर होगी नहीं बिल्कुल भी, और नियर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, गुजारा कर लेते हैं लोग, फिर बार्गेनिंग पावर थोड़ी सी वीक होगी, अगर सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी ना हो तो बार्गेनिंग पावर फिर सप्लायर की बहुत ज्यादा हो जाती है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट यूनिक है तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होगी, क्या ख्याल है एप्पल की बार्गेनिंग पावर कैसी है? गोल्ड लीफ सर, गोल्ड लीफ की बार्गेनिंग पावर कैसी? हाँ मैं तो पीता नहीं हूँ ना इसलिए मुझे ब्रांड के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन मशहूर है, पता है, पता सबको होता है, नहीं पीने वाले को भी पता होता है कि गोल्ड लीफ इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, गोल्ड लीफ इज समथिंग डिफरेंट, गोल्ड लीफ वो, या एप्पल है, एप्पल की आपने जो बात की, बिल्कुल, एप्पल हो गया, मर्सिडीज हो गया, इनकी जो ना क्लास की वजह से इनकी बार्गेनिंग पावर हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि इनको पता है कि इनके जो ऑडियंस है ना, लेकिन फिर भी एटलीस्ट दे हैव अ प्रेशर के यार ऐसा ना हो कि कोई और जो ना मार्केट डेवलप कर ले, सिमिलर डिजाइन डेवलप कर ले, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट डेवलप कर ले, या उसकी उसकी क्वालिटी बिल्कुल मिलती जुलती हो लेकिन कॉस्ट में बहुत फर्क हो, तो वो मार्केट शेयर जो ना वो छीन सकता है हमसे। सही, और उसके अलावा एक और चीज भी आती है सर, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में, एप्पल में तो नहीं आती, लेकिन ये जैसे आपके हाई एंड कार्स हो गई, लैम्बोर्गिनी और ये सारा, अगर बार्गेन खास तौर पर इकोनॉमी जैसे अभी चल रही है उस पर बहुत, मतलब पहले 10 बिकती थी 5 बिक रही है, तो उनको बहुत फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, ये भी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। चले मैं इसे रीकनेक्ट करूं। हाँ सर, अभी आज इतना ही कर लेते हैं, एक मिनट सर, मैं सर एक मिनट मुझे देंगे, आप कंफर्म करूं सर, मैं सर कुछ मेहमान आने वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है, नहीं, कोई पता नहीं क्या चक्कर है, आए नहीं आए मुझे अभी तक, 8 बजे का बोला था उन्होंने। चले यहीं तक कर लेते हैं, देख मैं पूछ लेता हूँ। Thank you.